तो कई बार ऐसा सब ऐसा पूछते थे, मैं भी जब पढ़ रही थी तो इंटरनेट पे ऐसे यूट्यूब पे सर्च करती थी हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, तो लेकिन वो चीज़ मुझे बाद में समझ आई कि बाहर का कोई इंसान मुझे नहीं बता सकता कि हाउ विल आई स्टे मोटिवेटेड। तो फिर थोड़ा अंदर मुझे झांकना पड़ा और तब मुझे समझ आया कि मैं कैसे मोटिवेट हूँ। तो फिर जब आपको मन करे ना कि आज तो हो गया, आज बहुत पढ़ाई करी, तब अपने आप से पूछो कि ऐसा क्या है जिसने मुझे पुश किया कि मैं ये करियर चुनूँ, ऐसा क्यों है कि मैं SSB के एग्ज़ाम के लिए बैठ रही हूँ या बैठ रहा हूँ, वाई इज़ इट। अगर आपका वाई तगड़ा है ना तो आप पूरी जर्नी से अच्छे से निकल जाओगे। इसलिए अपने वाई को, वाई डू यू वॉन्ट टू जॉइन द सिविल सर्विस, वाई डू यू वॉन्ट टू क्लियर दिस एग्जाम, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो डोंट स्टार्ट कि अगर करूँगा तो यू नो अच्छा वो मिल जाएगा, प्रेस्टीज मिल जाएगी। अगर आप प्रेस्टीज को सोच कर अगर आप सिविल सर्विस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा दिनों तक वो आपको मोटिवेट नहीं रख पाएगा। मोटिवेशन आपको कहीं ऐसी जगह से आना चाहिए कि अगर आप कहीं जा रहे हो, किसी बच्चे को देख रहे हो, किसी दुकान पर काम करते हो, तो क्या आप ये सोचते हैं कि वो बच्चा वहाँ पर नहीं होना चाहिए, वो बच्चा अभी स्कूल में होना चाहिए? क्या हम कुछ कर सकते हैं अपनी पढ़ाई से? क्या हम किसी ऐसे पोजीशन पर पहुँच सकते हैं कि उस बच्चे को वहाँ से निकाल कर स्कूल में भर्ती करा दें? तो ये चीज़ आपको मोटिवेट करनी चाहिए। जिस दिन आप सोसाइटी से जुड़ने लगेंगे और समझने लगेंगे कि कुछ और लोग हैं जो अनफॉर्चुनेट हैं, हम बहुत लकी हैं और हम उनकी मदद कैसे करें, तो फिर बहुत जर्नी जो है ना आसान हो जाती है। तो ये चीज़ मोटिवेशन की थी कि आप खुद अपने आप को मोटिवेट करिए। मैं लकी रही कि मैं मम्मी पापा के साथ रहकर, घर में रहकर पढ़ाई की मैंने। तो जब भी कभी बोर होती थी, मम्मी से बातचीत कर लेती थी किसी टॉपिक के बारे में। आप भी अपने मम्मा से, पापा से, या डियर फ्रेंड, आपके भाई बहन जो भी हों, उनसे इस बात का डिस्कशन करें। और इसके अलावा डी स्ट्रेस भी हूँ। और एक और बात मैम